जितना महत्व रामायण में या राम का है उतना ही महत्व रावण का भी है। तो ये रावण के जो पिताश्री थे विश्वेश्वर जी, उन्हीं के नाम पे हमारा गांव का नाम विसरख पड़ा। वहाँ मंदिर में खुला, जमीन में खुदाई में रावण का मंदिर, उसको फटा रहे थे। उस मंदिर के ऊपर ही दूसरा मंदिर बना दिया जो कि अब भी विद्यमान है, शिव मंदिर बोलते आजकल इसको, नीचे उसके रावण मंदिर। नीचे दीवारें निकलती थी और उनकी ईंटों का साइज बहुत बड़ा है, वो साइज है जो हड़प्पा में रहा है, यानी जो आज की डेट में हड़प्पा के खंडरों में ईंटों का साइज है, वही ईंटों का साइज हमारे गांव में निकलता है। और श्रीलंका तक जाकर के हमने रावण के विषय में शोध किया, जो आज रावण को बुराई का प्रतीक सब लोग बताते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने रावण के सकारात्मक तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के लोग रावण को नहीं मानते, राम को मानते हैं। दशहरा पे आमतौर पर रावण दहन होता है, तो वो हम लोग नहीं करते, पूरे गांव के लोग दशहरा नहीं मनाते। तो जिस समय हम खोदते थे कुआं, तो नीचे हड्डियाँ भी निकलती थी हमारे, खुद हमने निकाली हैं हड्डियाँ नीचे से खोद खोद। पूरे विसरख गांव की मिट्टी इकट्ठा करके और राम मंदिर के जो भूमि पूजन हुआ था उसमें हमने भिजवाई थी। मिट्टी के बर्तन निकलना, हड्डियाँ निकलना, दीवारें निकलना, हथियार निकलना, सिक्के निकलना, निश्चित रूप से ये नगर रहा है, ये कोई गांव नहीं रहा। मूर्ति दोबारा बनवाई जा रही है और उसको भव्य रूप से फिर दोबारा लगवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है विसरख। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बहुत है। ये गांव गुर्जर बहुल्य गांव है। भारत के गुर्जर चैनल में इस एपिसोड में हम आपको सब कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस गांव को रावण का गांव क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले इस गांव के नाम के बारे में जान लीजिए। जहाँ तक विसरख गांव की बात कर रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे गांव में। जितना महत्व रामायण में या राम का है उतना ही महत्व रावण का भी है। बिल्कुल। तो ये रावण के जो पिताश्री थे विश्वेश्वर जी, उन्हीं के नाम पे हमारा गांव का नाम विसरख पड़ा। और आप गूगल पे अब सर्च करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में अकेला विसरख है। गांव आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन एक गांव के नाम चार चार मिलेंगे। अकेला विसरख हिंदुस्तान के अंदर, विसरख अगर है तो अकेला है, इसलिए है को विश्वेश्वर जी के नाम पे है। विसरख गांव पौराणिक ऐतिहासिक बहुत प्रसिद्ध गांव है, आदर्श गांव है। और जैसे सुना है, मेरी उम्र 70 वर्ष है, जैसा सुना है ये रावण के पिताजी विश्वेश्वर मुनि थे, उनका यहाँ आश्रम हुआ करता था, तभी से आबादी है। पहली बात तो ये रावण से शुरू है गांव का तो जन्म। विसरख गांव का जिक्र शिव पुराण में किया गया है। कहा जाता है कि यहीं पर लंकेश का जन्म हुआ था, यानी रावण का, जिसके पिता विश्व ऋषि थे। इतना ही नहीं, विसरख गांव में रावण के अलावा कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण ने भी जन्म लिया। बताया जाता है कि रावण के पिता विश्व ऋषि ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने राक्षसों की राजकुमारी कैक्सी से विवाह किया था और कैक्सी की शर्त थी कि संतान होने के बाद वो उन्हें लेकर चली जाएगी। अब विसरख धाम जो गांव है, ये ऋषि विश्वरवा की तपोस्थली है और रावण की जन्मस्थली है। यहाँ पर ऋषि विश्वरवा के नाम पर ही इस गांव का नाम विसरख है और यह गांव तीर्थ क्षेत्र में आता है। आप शिव पुराण या तीर्थांक में पढ़ेंगे तो यह गांव तीर्थ क्षेत्र में, जैसे भारतवर्ष के सभी तीर्थ हैं वैसे ही विसरख तीर्थ क्षेत्र में आता है। और यहां पर शिव की पूजा ज़्यादा होती है और इसको एक प्रकार से शिव नगरी भी कहा जाता है। मुनि विश्वेश्वर का आश्रम भी यहीं हुआ करता था और रावण का जन्म भी यहीं हुआ और किशोरावस्था तक उसका लालन पालन भी यहीं हुआ। उसके बाद वो चले गए यहाँ से, दंडकारण्य ले गई फिर उनकी माँ कैकेयी, उनको दंडकारण्य ले गई थी अपने तीनों बच्चों को। ये तय था पहले से, ये जब विश्वेश्वर से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा था तो उसमें ये शर्त थी कि जब मेरे बच्चे किशोरावस्था में आ जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालन पोषण करूंगी, मैं आपके पास नहीं रहेंगे वो। तो इस शर्त पे ही शादी हुई थी कैकेयी की और विश्वेश्वर की, क्योंकि कैकेयी थी यहाँ, जिनको जैसे ऋग्वेद अगर आप पढ़ोगे तो ऋग्वेद में यहाँ के मूल निवासियों को असुर कहा गया है और कैकेयी जो थी वो उसी समय एक असुर सरदार हुआ करते थे ऋग्वेदिक काल के, उनकी बेटी थी और निवास स्थान उनका दंडकारण्य था, वहीं से उनका शासन चलता था। लगभग जब आर्यों का और यहाँ के मूल निवासियों का जो टकराव का काल है, ये उस समय की बात है।
इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है कि ऋग्वेद में ये वर्णित है कि विश्वा ऋषि और कैकसी की शादी कैसे हुई। जिस समय यह तय हुआ कि भाई आर्यों से हम यहाँ के जो मूल निवासी है जिनको ऋग्वेद में असुर कहा गया है, वो लोग जब आर्यों से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आर्य संस्कृति बहुत श्रेष्ठ संस्कृति थी भाई, उन्होंने आश्रम व्यवस्था चालू करी, हवन यज्ञ पढ़ाई शिक्षा वेद ज्ञान विज्ञान उन्होंने स्टार्ट किया, तो यहाँ जो लोग निवास करते थे उनसे उनका टकराव हुआ, क्योंकि वो भिन्न संस्कृति के थे, वो भिन्न संस्कृति के। फिर आर्यों ने अपने जब यहाँ पे कबीले बसाने शुरू करे और इकट्ठा अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने शुरू करे, तो उस समय उनका आपस में एक टकराव हुआ करता था दोनों का। अच्छा, तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई असुर जो समाज था पूरा, असुर मीन्स जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने उनको ये ऋग्वेद में असुर कहा गया, वैसे वो असुर थे नहीं वो, तो उन्होंने क्या किया कि भाई कोई ऐसा होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी संतान होनी चाहिए, ऐसा एक वीर होना चाहिए जिसमें आर्यों के गुण भी हों और हमारे भी हों, तो उसके लिए क्या तरीका है। तो जब वो पूरी बैठक हुई, पूरे समाज की बैठक हुई, तो उसमें केकसी ने स्वीकार किया कि मैं विश्वेश्वर मुनि को विवाह के लिए प्रस्ताव दूंगी और जो संतान होगी उसे हम अपने हिसाब से पालेंगे। ये वर्णित है बाकायदा, ये वैसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। चूंकि ये गाँव रावण की जन्मस्थली कहा जाता है, इसलिए बिस्रक में रामलीला का आयोजन नहीं होता, यानी दशहरा नहीं मनाया जाता और ना ही रावण का दहन किया जाता है, क्योंकि ग्रामीणों के लिए रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि उनके बेटे जैसा है। एक मान्यता ये भी है कि अगर यहाँ रावण का दहन किया जाता है तो गांव में कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी हैं जो बताई जाती हैं, वो है नहीं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के लोग रावण को नहीं मानते, राम को मानते हैं, और चूंकि रावण की जन्मस्थली है तो इसलिए हम उस महत्व को समझते हैं जी। तो यह है कि पीछे जैसे बताते हैं कि दो चार बार कभी जैसे दशहरा पे अब रावण की जैसे जाई गई तो वहाँ अनहोनी हो गई थी, एक हाँ डेथ वेथ हो गई थी। दशहरा पे आमतौर पर रावण दहन होता है, तो वो हम लोग नहीं करते हैं, पूरे गांव के लोग दशहरा नहीं मनाते हैं, और ये नहीं है कि राम को नहीं मानते, राम को भी मानते हैं। तो दशहरे के समय पे क्या रहता है, मतलब किस तरह का माहौल रहता है यहाँ पे? तो खैर साधारण रहता है, बल्कि इतना परिवर्तन नजर आता है कि यहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी महसूस होती है। इस गांव में रावण का दहन नहीं किया जाता, ना यहाँ रामलीला होती है और ना ही यहाँ किसी प्रकार से कोई स्वांग वगैरह होता है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ हुआ तो अब से 60-70 साल पहले हुई, तो जो पात्र थे उनको नुकसान हुआ। महर्षि विश्वा के कारण शुरुआती काल में इस स्थान का नाम विश्वरेश्वर था, बाद में अपभ्रंश होते होते जगह का नाम बदलकर बिस्रक हो गया। पुराणों में विश्वेश्वरा का जिक्र है, वहीं अभी बिस्रक में पुराने काल के अवशेष पाए जाते हैं। 1982 में खुदाई होनी में सिक्के निकले। अच्छा। और वो बहुत सी कीमती धातु गाँव में कब्जा होगा पुलिस आगी, तो वो सिक्के भी देखे हमने, उनमें चंद्रमा का निशान, भाषा पढ़ी नहीं हुई हम सभी। अच्छा। और वो पुरातत्व विभाग वाले आए, उनको वो दिए, बाद में हमने सुना 20,000 के प्लस इनका इतिहास है इस गाँव का, उन सिक्कों के अनुसार। इस गांव में ऐसे ऐसे अवशेष निकले हैं, हमने तांबे की तलवारें मैंने खुद ने देखी हैं इस गांव में नीचे निकलती हुई मिट्टी, यहाँ पीछे बराबर में रास्ता, उस रास्ते में खुदाई कर रहे हैं हमारे गांव के कुछ लोग। अच्छा। तो उसमें तांबे की दो तलवारें निकली। अब तांबे की तलवारें कांस्य युग को सीधा इंडिकेट करती हैं, क्योंकि तांबे की तलवारें कांस्य युग में ही बनी, बस केवल उसके बाद जब लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे का विकास हो गया, लोहे से औजार बनने लगे, हथियार बनने लगे, तो उस समय तांबे के हथियार बंद हो गए। तो ये जो तांबे के हथियार हैं ये भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के टाइम का ही संकेत करता है सीधा, यानी हमारा जो गांव है ये हड़प्पा काल में कोई नगर रहा होगा। अब सवाल उठता है कि इतना ऐतिहासिक और पौराणिक गाँव होते हुए भी पुरातत्व विभाग या सरकार ने इसको क्यों नहीं सहेजा, तो गाँव के लोग बताते हैं कि इससे उन्हें ही नुकसान है। हम लोगों ने इस पर कोई प्रयास नहीं किया। वैसे यदि हम प्रयास करें और ASI को इसके लिए आमंत्रित करें कि भाई आप हमारे गांव में आकर के खुदाई करो निकालो, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यहां वास्तव में एक नगर निकलेगा, और हो सकता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा निकले। अभी कभी कभी लगता है कि ये हमें प्रयास करना चाहिए,
लेकिन होता क्या है कि अब सबके लोगों के घर बने हुए हैं, सबके मकान बने हुए हैं, सबने बहुत पैसा लगा करके अपने मकान बना रखे हैं। अब अगर मान लो पूरे गांव की खुदाई होने लगे तो निश्चित रूप से गांव शिफ्ट होगा फिर पूरा। अब बात करते हैं बिसरख गांव की मुख्य विशेषता के बारे में। यहाँ एक शिव मंदिर है जो रावण का मंदिर नाम से विख्यात है। रावण मंदिर में एक शिवलिंग है जो 8 भुजाओं वाला है, जिसे अष्टभुजा शिव कहा जाता है। रावण की जन्म स्थली है और ये जो शिवलिंग है वो रावण के ग्रैंडफादर यानी पुलस्त मुनि के द्वारा स्थापित किया हुआ है। रावण का जन्म भी यही हुआ, इसी मूर्ति पर उसने पूजा और वरदान प्राप्त किए और यहाँ से जब उसे शक्तियाँ प्राप्त हो गई उसने अपने सौतेले भाई कुबेर पर आक्रमण करके लंका और पुलस्त जो पुष्पक विमान छीन लिया। शिवलिंग जिस पत्थर से बना हुआ है वो आज पत्थर है ही नहीं, ये अष्टभुजी शिवलिंग है जो भारत में मात्र 2 है, एक यहाँ एक उज्जैन। मान्यता है कि इस मंदिर में कोई भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो वो पूरी होती है। साथ ही इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सूखता नहीं है, यानी हमेशा गीला रहता है। जी हाँ, ये कभी सूखता नहीं है, पानी 10 साल में चढ़ाओ अच्छा। तब भी गीला ही रहेगा। नीचे एक भाग में 8 भुजाएं हैं, इसे अष्टभुजी शिवलिंग कहते हैं। चोरों ने 30-35 फुट खुदाई की इसकी रात में, फिर सब 30-35 फुट तक ये शिवलिंग निकलता ही रहा नीचे, एंड नहीं मिला इसका। फिर हो गया सवेरा तो वो छोड़ छाड़ के भाग गए, तो इसको फिर बंद कर। सावन के महीने में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। नोएडा का विकास होने के बाद से लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। वहीं बिसरख गांव की मिट्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी भिजवाई गई है। लोगों ने व्यर्थ की बात फैला रखी थी कि भाई रावण को मानने वाले लोग मतलब ऐसे राम को नहीं मानते, तो ये मिथ्या है। और हमने पूरे बिसरख गांव की मिट्टी इकट्ठा करके और राम मंदिर की जो भूमि पूजन हुआ था उसमें हमने भिजवाई थी। जब मंदिर का भवन निर्माण तैयार होगा तो एक चांदी की ईंट हम अपने ट्रस्ट की तरफ से बिसरख धाम की तरफ से वहां पर दान करेंगे और लोगों से यही अपील करेंगे कि भगवान राम के मंदिर में अपना यथाशक्ति सहयोग अवश्य दें। पिछले कुछ समय में बिसरख गाँव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, अब इसे रावण के गाँव के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसा बीते 1 दशक में ही हुआ है, इससे पहले तक यहाँ पहुँचना काफ़ी कठिन था। गांव के आसपास आबादी कम थी और जंगल अधिक थे, लेकिन अब चारों तरफ आबादी है और यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो ये था बिसरख गांव की कहानी का एक पार्ट। दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि बिसरख गांव में गुर्जरों की स्थिति क्या है। ऐसी और कहानियाँ और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत के गुर्जर को और लाइक कीजिए हमारी वीडियो।